मेरी गाड़ी का नंबर है UPSC 3016, कहते हैं मुझसे गौरव गोला, और नोट कर लो मेरी इंस्टा आईडी को @decentboygola। एक सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि एक लड़कियों के पूछे पहले काफ़ी लिखा था काफ़ी पुराना कि क्यों कहूँ किसी लड़की को बेवफा, घर की इज्जत का ख्याल उसे भी आया होगा, माँ बाप की खातिर उसने भी अपनी खुशियों का गला दबाया होगा। क्यों कहूँ किसी लड़की को बेवफा, घर की इज्जत का ख्याल उसे भी आया होगा, माँ बाप की खातिर उसने भी अपनी खुशियों का गला दबाया होगा। और किस हक से अब शब्द कहूँ उस भले बाप की बेटी को, और किस हक से अब शब्द कहूँ उस भले बाप की बेटी को जिसने जीवन भर की कमाई से बेटी की शादी का सपना सजाया होगा। और क्यों दूँ किसी की बहन को बद्दुआ आखिर, और क्यों दूँ किसी की बहन को बद्दुआ आखिर, बहन ने मेरी भी तो इज्जत के खातिर किसी का दिल दुखाया होगा। बेकसूर था मैं, मेरी क्या खता थी कि तूने एक बार भी ना सोचा आखिर मुझे किस बात की सजा थी। कि बेकसूर था मैं, मेरी क्या खता थी, तूने एक बार भी ना सोचा आखिर मुझे किस बात की सज़ा दी। अब सज़ा तुमने दी है तो इसे कबूल भी करेंगे, अपने एक तरफा प्यार को खुद ही मुकम्मल करेंगे। थैंक यू। कि अब सज़ा तुमने दी है तो इसे कबूल भी करेंगे, अपने एक तरफा प्यार को खुद ही मुकम्मल करेंगे। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, तू जो मेरे साथ नहीं, चाहत रहेगी ज़िंदगी भर पर होगी मुलाकात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, तू जो मेरे साथ नहीं, चाहत रहेगी ज़िंदगी भर पर अब होगी मुलाकात नहीं। अब हम इश्क में बाजी आजमाएंगे नहीं, अब हम इश्क में बाजी आजमाएंगे नहीं, और हो गई मोहब्बत तो फिर बताएंगे नहीं। और दोस्तों मेरी कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो दीवानी आज भी है पर हमारी नहीं है। एक कुछ नटखट सा पहले लिखा था तो सुनाऊंगा कि उसके होठ का तिल, उसकी आँखों का काजल, कि उसके होठ का तिल, उसकी आँखों का काजल, उसके माथे की बिंदिया और छनछन करती पैरों की पायल, ये अदाएं उसकी मुझे दीवाना बनाती हैं, ये अदाएं उसकी मुझे दीवाना बनाती हैं, पर उसकी एक अदा करती है घायल, जब दिखाती है नखरे और कहती है चल पागल। बहुत शुक्रिया। एक रिलीजन के ऊपर कुछ लिखा था कि तेरी याद आती है तो खुला आसमान देखता हूँ, मैं धरती से आसमान की दूरी को देखता हूँ। कि तेरी याद आती है तो खुला आसमान देखता हूँ, मैं धरती से आसमान की दूरी को देखता हूँ। कुछ यूँ तेरे मेरे बीच की मजबूरी को देखता हूँ, और बहुत कोसता हूँ इस धर्म और जाति को, और बहुत कोसता हूँ इस धर्म और जाति को, जब खुद को हिंदू और तुझे मुसलमान देखता हूँ। एक था कि कसूर नहीं था फिर भी दोषी ठहराया गया, एक इल्ज़ाम झूठा मुझ पर लगाया गया। एक कसूर नहीं था फिर भी दोषी ठहराया गया, एक इल्ज़ाम झूठा मुझ पर लगाया गया, और भला कैसे लड़ता मैं अपने हक की लड़ाई आखिर, और भला कैसे लड़ता मैं अपने हक की लड़ाई आखिर, मेरा वकील भी उसी का आशिक पाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फिर लिखा था कि है जिगर में दर्द इतना कि बताया नहीं जाता, है जिगर में दर्द इतना कि बताया नहीं जाता, भरी महफिलों में हंसा जाता है रोया नहीं जाता। और मिलती है मेरे सामने गैरों से, और मिलती है मेरे सामने गैरों से, सच सच बता तुझे शर्म नहीं आती या छिपाना नहीं आता। एक क्लास सुनिएगा फिर अपनी जगह लूँगा कि किसी से मुझे कोई आस नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास नहीं है, किसी से मुझे कोई आस नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास नहीं है, मेरी बेबसी ने मुझसे एक बात कही, यह प्यार व्यार तेरे बस की बात नहीं है। थैंक यू।